फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ दिव्य किचन में। तो आज मेरी मम्मी बनाने जा रही हैं एक साउथ इंडियन फूड जिसका नाम है मसाला डोसा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं आप लोगों को डोसा का बैटर बता देती हूँ कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरी चावल लिया है, आपके घर में जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं चावल। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से भी आधा थोड़ा कम उड़द की दाल, चने की दाल और थोड़ा सा पोहा लिया है। आप इसे 5 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रख दीजिए। उसके बाद आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए अच्छे से। हमने डोसा के लिए सामान लिए थे बैटर तैयार करने के लिए, तो उसको सब मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। जब हमने बैटर तैयार कर लिया है तो इसे हम 6 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। समर में आप 6 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए और विंटर है तो 8 आवर्स के लिए। हम मसाला डोसा बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने मसाला डोसा के लिए आलू बॉईल कर लिए हैं। आप जितने क्वांटिटी में आप बैटर तैयार किए हो उतना ही आप आलू लोगे और उतने ही सब क्वांटिटी में आप सब चीज़ें लोगे। तो हमने यहाँ मसाले के लिए आलू बॉईल कर लिया है। तो हमने जो आलू बॉईल किए थे उसको हमने ठंडा करके उसके छिलके उतार लिए हैं, फिर इसे हम मैश कर देंगे अच्छे से। डोसे के लिए कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है, हाई फ्लेम है। अब इसमें हम 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम राई डालेंगे। फ्लेम कम कर देना है। अब इसमें सूखी हुई मिर्ची डालनी है, लाल मिर्ची, और कड़ी पत्ते डालने हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसमें 3 ऑनियन जो हमने काटे थे उसको डाल देना है। इसको थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का होने देना है। ये थोड़े थोड़े ब्राउन होने लगे हैं। भीग गया है अच्छे से। अब इसमें हम पाउडर डालेंगे, गरम मसाला, हल्दी और ये लाल मिर्च की जो पाउडर थी वो भी डाल दिया है। इसमें जो हमारा आलू भेजते हैं अच्छे से डाल दिए हैं इसमें। डाल दिए हैं आलू, डाल दिए हैं। अब आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे नमक अपने बैलेंस में हो जाए। ये हमारा रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हमें धनिया, हरी धनिया डालनी है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे यहाँ वेजिटेबल्स मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो हमने यहाँ पे नहीं डाला है। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। रेडी हो गया डोसा का। अब हम बढ़ेंगे चटनी की ओर। यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया है और थोड़ा कम ही रखा है, हाई फ्लेम नहीं रखा है। फिर यहाँ पे चने की दाल डाल दी है। इसको चने की दाल को थोड़ा रोस्ट कर रहे हैं लो फ्लेम पे ही, और उसके बाद जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। चने दाल को थोड़ा सा बराबर चलाते रहना है जिससे ये जले ना। तो ब्राउन हो गया है आप देख सकते हैं, तब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे, ये लो फ्लेम पे ही है। हम मूंगफली डाल दिए हैं इधर, इसको भी थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होना है। जब ये हो जाएगा तब हम इसे भी निकाल लेंगे।
बराबर चलाते रहना है जिससे ये जले ना, और जब ये पकने लगेंगे तो इसमें थोड़ा सा चिटचिट आवाज आएगी। यदि रोस्ट हो गई है तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। के लिए रख दिए हैं, ठंडा हो जाएगा तो हम इसके छिलके निकाल लेंगे। हमारे डोसे के लिए जो चटनी बनाने जा रहे हैं उसका इंग्रेडिएंट्स, तो ये मूंगफली है, हमने इसे इसके छिलके हटा दिए हैं, 3-4 कलियाँ हैं लहसुन के, इधर हरी मिर्ची है, हमने इसको 2 भाग में कर लिए हैं, और इधर अदरक है, इसको भी हमने 3-4 भाग में कर लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार सेल्ट ले लीजिएगा। और इधर हमारा नारियल का बुरादा, और जो हमने चना दाल हमने रोस्ट किए थे वो है, और इधर हमने थोड़ा सा शुगर लिया है। अब इसे हम एक एक करके ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। सबसे पहले हमने इधर नारियल का बुरादा डाल दिया है मिक्सर में, फिर चने की दाल उसी में, फिर मूंगफली रोस्ट की हुई छिलके उतारे हुए हमने, थोड़ा सा अदरक मिर्ची लहसुन, और जो हमने यहाँ पे थोड़े से शुगर लिए थे वो भी डाल दिए हैं। अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट, थोड़ा सा वाटर, पे चटनी को ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम तड़का लगाएंगे। तो हमने सामान यहाँ पे राई, कड़ी पत्ते और सूखी हुई लाल मिर्ची ली है। अब यहाँ पे हम 2 टीस्पून ऑयल लेंगे, रिफाइंड ऑयल। अब इसमें हम डाल देंगे राई और सूखी हुई लाल मिर्ची, फिर थोड़ी देर होने दें, फिर कड़ी पत्ते डाल दें। फिर हमने जो तड़का लगाया था उसे हम डाल देंगे चटनी में, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। लग रही है ना बढ़िया। डोसे की चटनी रेडी है। डोसे के साथ एक और चटनी बनाने जा रहे हैं। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं 4 मीडियम साइज़ की अनियंस, हमने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं, 4 टोमेटोज मीडियम साइज़ के हमने कटिंग कर लिए हैं, बारीक कटे हुए अदरक, बारीक कटे हुए लहसुन, थोड़ी सी उड़द की दाल, थोड़ी सी हरी मिर्च, 2 टीस्पून ऑयल, सरसों के लिए है हमने, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, स्वाद अनुसार सॉल्ट, हाई फ्लेम कर लिया है, उसके बाद 3-4 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। हरी मिर्ची डाल दी है और थोड़ी सी उड़द की दाल, बारीक कटे हुए अदरक डाल दिए हैं, लहसुन डाल दिए हैं, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो गया है तब इसमें हम अनियन डाल देंगे, तब इसमें हम टोमेटो डाल देंगे। हमारी चटनी ऐसी हो जाएगी रेड रेड, ये लग रही थोड़ी थोड़ी पक गई है, लेकिन हमें थोड़ा सा पकाना है अभी लो फ्लेम पे। हमारी चटनी रेडी हो गई है तो हम इसमें एक प्लेट में निकाल रहे हैं, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में, ठंडा होने के लिए रख देंगे।
ये हमने जो प्याज और टमाटर चटनी बनाई है उसको हमने ग्राइंड कर लिया और उसके बाद फ्रीजर रखा है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, कड़ी पत्ते और सूखी हुई लाल मिर्च और राई। लग रही है ना बढ़िया तैयार हो रही है। तब तक हम सांभर के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देते हैं। तो हमने यहाँ पे कद्दू लिया है कटा हुआ, तुअर की दाल, अरहर की दाल, स्वाद अनुसार आपका नमक, हल्दी, हींग और इमली का जूस। तो इसको फिर अरहर की दाल को मैंने अच्छे से धुल कर प्रेशर कुकर में डाल दिया है। उसके बाद कद्दू को डालना है, फिर नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, हींग डाल देना है। के लिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, हाई फ्लेम है, 2-3-4 टीस्पून हमने ऑयल डाला है इधर। अब इसमें हम थोड़ा तेल हो जाए तब इसमें हम राई डाल देंगे। अब थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, बारीक कटा हुआ अनियन 2-3 मैंने लिया था, ये थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का होने देना है। अनियन थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया है तब हम इसमें डालेंगे टमाटो। अभी हम इस अभी लो फ्लेम ही रखे हैं, आपको जब लगे आप उसमें फ्लेम हाई कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल दिया है। अब इसमें हमने सांभर मसाला डाला है, अब इसे भी हमें थोड़ी देर पकने देना है। यहाँ पे दाल पका दी थी तो अब मैं इसमें दाल डाल दिया है, दिख रही है ना बहुत ही टेस्टी और कलर कितना सुंदर आया है, इट इज़ वेरी डिलीशियस। जूस तैयार किए थे हमने, उसे अभी डाल दिया था। डोसे का बैटर है रेडी हो गया है, फर्मेंट हो गया है, तो अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा वाटर, अच्छे से रेडी कर लीजिए, ज़्यादा पतला मत करिएगा। गर्म हो गया है हम इसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे, फिर अच्छे से इसको वाइप करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, फिर वाटर, इसे अच्छे से क्लोथ से वाइप कर देना है। फिर हम डालेंगे डोसे का बैटर, अच्छे से इसको गोला गोला फैलाते रहना है जिससे ये पतला और जब पकेगा तो क्रिस्पी बनेगा। और फ्लेम लो कर देना है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल, आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी। अब इसे हम लो फ्लेम पे थोड़ा पकने देंगे। रेड रेड हो गया है तब ये पक गया है डोसा, अब इसे हम निकालेंगे। पहले हम इसे साइड साइड निकालेंगे, ये थोड़ा थोड़ा बेक भी हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है।
अब हम इसमें जो मसाला हम तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा अनियन भी डाला है कटा हुआ, और कटा हुआ टोमेटो। ये हमारा डोसा रेडी है। लग रहा है ना बढ़िया? तैयार है, लग रहा है ना बहुत वेरी डिलीशियस टेस्टी। और डोसा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बना है। ये हमारा सांभर, ये चटनी, और ये हमारी सीक्रेट वाली चटनी। बहुत ही क्रिस्पी है और वेरी डिलीशियस बना है। वाओ।